जिंदाबाद, लालू रामनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, लालू रामनी जिंदाबाद। इसको बंद कर दीजिए ना, इसको ही बंद। अब है बाबू जिंदाबाद। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भले ही सजा याफ्ता हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको भगवान का दर्जा देते हैं, और भगवान का दर्जा देने वाले लोग ये आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। आप देख सकते हैं जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह हैं और महासचिव विनोद यादव भी हैं, और तमाम लोग हैं जो लालू प्रसाद यादव को भगवान की श्रेणी में एक दर्जा दे दिए हैं। और उन्होंने ये प्रयास किया है कि लालू अगर भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है, और ऐसे में लालू चालीसा का निर्माण कर पूरे राज्य में इन्होंने वितरण करने का आह्वान किया है। और इस समय हमारे साथ विनोद सिंह यादव हमारे साथ हैं। विनोद जी, ये जो रचना है, आखिर क्या कारण है कि लालू प्रसाद यादव के लिए एक बार फिर लालू चालीसा का निर्माण किया आप लोगों ने? लालू चालीसा का निर्माण करने का मेन मकसद ये है कि ये गरीब तक पे मतलब एक गजब शक्ति और उत्साह दिए, जो आज बिहार से लेकर झारखंड तक जहाँ तक लालू के चाहने वाला लोग, उनको एक लेवल में बैठने का शक्ति दिए। चरवाहा विद्यालय खोल के भी उस गरीब तबका को पढ़ाने का किया, जो इतिहास है। तो आदमी ये चाहते थे भगवान की तरह कि लोग सभी लोग एक समान हो। तो एक तो पत्थर के मूर्त भगवान और जिंदा में लालू जी भगवान, हम लोग तो इनको दिल से भगवान मानते हैं। और हर गरीब तबका जो समझता है शोषित, वो जानता है कि लालू जी ही एक ऐसी शख्सियत हैं जो नीचे तबका को एक लेवल में पहुँचाने का काम किए। जाहिर सी बात है, सरकार किसी की भी हो, मोदी हो चाहे कोई हो, खाना किसी के घर कोई नहीं पहुँचाता, लेकिन एक शक्ति तो देता है जो लेवल में आज देखिए। कुछ लिखा है आप लोगों ने उसमें, पढ़ के मैं आपको सुनाता हूँ। लालू चरण स्पर्श कर मन पावे खुशहाली, जेपी के सच्चे शागिर्द शिष्य रहे आज्ञाकारी। पिछड़ा हूँ जात से चाहूँ आपका साथ, आशीष अपना दीजिए जीतू सक संसार। जय जालू नेता अहिरवार, जय लालू भर देश उजहार। जेपी दूत प्रखत वक्ता मछिया पुत्र कुंदन हैं बाबा। विश्व विख्यात लालू अतरंगी, गरीब गुरबा के हैं संगी। धोती गमछा बहुत शोभे लालू कट फेमस हमेशा। हाथ लाठी साथ लालटेन है, कांधे पीड़ित बोध साजे। कृष्ण के वंशज है लालू, बोल चाल में सदा में वंदन। तेज तरार नेता है माहिर, शोषित के सेवा को आतुर। यानी क्या कहना चाह रहे हैं इसके माध्यम से? इससे हम लोगों को बताना चाहते हैं कि यही वो भगवान है कि गरीब शोषित लोगों को आज लेबल का दर्जा दिए। आज इनके पुत्र CM बनवा, और सभी से आग्रह है गरीब तबका से और पूरे को कि एक नज़र से, जिस तरह भगवान सारे संसार में एक नज़र से, उसी तरह लालू जी सबको एक नज़र से देखते हैं, और इनकी सरकार बिहार में बने और हर जगह राजद की सरकार बने। अभय जी, क्या लालू प्रसाद यादव को भगवान का दर्जा देना सही है? देखिए, ये पूरे गरीब जो तहे दिल से इनको भगवान मानता है, जो इन्होंने कर्म किया, जो गरीबों शोषितों दलितों को जिस तरह जगाने का काम किया, और गरीब आज जितने भी गरीब लोग हैं आज हक और अधिकार के लिए जो आतुर हैं, ये देन जो है माननीय लालू यादव जी का है, जिन्होंने अपने कार्यकाल में जितने भी शोषित दलित लोगों को जगाने का करके, और लोगों को जिस तरह आरक्षण के माध्यम से लोगों को जो गरीब तबका के लोगों को मान सम्मान बढ़ाने का काम किए, लोगों को स्तर को बढ़ाने का काम किए, जिस तरह वो मंडल मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, तो एक पूरे गरीब लोग तहे दिल से इनको भगवान मानता है और इनके प्रति आस्था रखता है। समूचे बिहार में जिस तरह, चूँकि जो जिस तरह इनको जेल के कटघरे में बंद किया गया कि गरीबों के साथ न्याय कर रहे थे, गरीबों का हमदर्द बने हुए थे, तो उनको दूरी बनाने के लिए इनको जेल के कटघरे में बंद किया गया। इससे बिहार के जनता आंदोलित है, और आने वाला चुनाव में जो इनका उत्तराधिकारी माननीय नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, जो जिस तरह इनका जो इनके बताए हुए रास्ते पर इनके छोड़ जो अधूरे सपने को साकार करने के लिए जिस तरह बिहार में लोगों के बीच जा करके एक गरीब के घर में खाना खा करके लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि हम भी लालू यादव के सुपुत्र हैं, और हम लालू यादव के सुपुत्र हैं तो निश्चित तौर पर हमारे रग में लालू यादव का खून दौड़ता है, तो हम भी गरीबों का हमदर्द हैं, और तमाम जो गरीब लोग हैं आज उनके पीछे
चलने को तैयार है, तब पूरा बिहार उनको नेता मान चुकी है। इस चुनाव में देखिएगा कि दिल्ली में जो परिणाम आया है उसी तरह बिहार में भी परिणाम आएगा। लालू प्रसाद यादव को भले ही चारा घोटाले मामले में सजा सुनाई जा चुकी हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो लालू प्रसाद यादव को भगवान का दर्जा देने की आस लगाए हुए हैं, और ऐसे में अब जनता ही मालिक है कि लालू प्रसाद यादव का करिश्मा बिहार चुनाव में चलता है या नहीं। सहयोगी उपेंद्र के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। झारखंड का नंबर वन एकमात्र संस्थान NIPM, साई टावर 4th फ्लोर, सर्कुलर रोड, रांची।